हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजु हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 1, प्री हिस्टोरिक एज। सो एंशिएंट हिस्ट्री में पहले हम बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री वो सारी चीजें होती है जिनके रिटन एविडेंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक किताब है जिसमें कुछ कहानियां लिखी है, उस कहानी को हम एनालाइज कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे हैं, तो उसे हम कहेंगे हिस्ट्री। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री मतलब वो टाइमलाइन जब रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं थे, यानी कि एक ऐसा टाइमलाइन जहां हमने बोन्स को या स्टोन्स को या कोई इम्प्लीमेंट्स जो उस टाइम के स्टोनिज मैन यूज करते थे, उसके एविडेंस के थ्रू हमने उनके टाइमलाइन को स्टडी करने की कोशिश की है या एनालाइज करने की कोशिश की है, हम ऐसी चीजों को बोलेंगे प्री हिस्ट्री। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइमलाइन है जिसमें आप देख सकते हो रिटन एविडेंस अवेलेबल तो है लेकिन हम उसे डिसिफर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डेसिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कई लिपि मिली है, यानी कि कई लेख मिले हैं जिसमें स्क्रिप्ट्स भी है, इमेजेस भी है, बस हम उसे अभी तक टैली नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली वो टाइमलाइन में और क्या क्या था। वैसे कई इंफॉर्मेशन हमने गैदर करने की कोशिश की है एविडेंस बेसिस पे, पर रिटन रिकॉर्ड्स को अभी तक हम डिसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे हिस्ट्री को हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज टाइमलाइन के बारे में। तो स्टोन एज टाइमलाइन एक ऐसा टाइमलाइन है जहां आप देख सकते हो कि एक ऐसा एज यानी एक ऐसा प्रीहिस्टोरिक मैन का एज जहां उन्होंने स्टोन को सबसे ज्यादा यूज किया था, और स्टोन को यूज बेसिकली उन्होंने यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए किया था। यूटिलिटेरियन पर्पस मतलब डेली यूज, तो डेली यूज में स्टोन के इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्री हिस्टोरिक टर्म्स। तो प्री हिस्टोरिक टर्म्स में हम यह तीन टर्म्स को क्लियरली पढ़ने वाले हैं, लाइक पैलोथिक एज क्या होता है, मैसोलिथिक एज क्या होता है और न्योलिथिक एज क्या होता है। अगर हम ये तीनों में कुछ कॉमन चीजें ढूंढे तो कॉमन चीजें है एक वर्ड लिथिक, आप देख सकते हो। तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पैलो मीन्स ओल्ड स्टोन, मेसो मीन्स मिडिल, न्यो मीन्स न्यू। तो ऐसे करके ये तीन टाइमलाइन में हमने प्री हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड। इनफैक्ट इसके बाद हम और एक टर्म पढ़ेंगे कैल्कुलोथिक एज। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैलोथिक एज। आप टाइमलाइन देख सकते हैं पैलोथिक एज का, यह है 9000 BC। तो इस एज की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ के लोग हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हुआ करते थे। अ पॉइंट टू बी नोटेड कि पैलोथिक एज या पैलोथिक ये टर्म कॉइन किया था आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लबॉक ने इन 1865। और फर्स्ट स्टोन टूल जो ये लोग यूज करते थे मैक्सिमम वो था क्वार्ट्ज, इसलिए इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के एनवायरमेंट आइस एज में था, ठीक है। और यहाँ के लोगों को धीरे धीरे फायर का इस्तेमाल के नॉलेज होना शुरू हो गए थे। वैसे अभी मैक्सिमम यूसेज नहीं हो रहा था, बस अभी इनको नॉलेज हो रहा था। तो अगर मैं फायर की बात करूँ तो प्रेडिक्ट ये किया जाता है हमारे एंशियंट हिस्ट्री में कि हो सकता है कि इन्होंने ये फायर के यूसेज को पहले एनालाइज किया होगा। एनालाइज इन द सेंस, हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट में थंडर गिरने से आग लगी हो और वहाँ जो एनिमल्स या प्लांट्स है वो जल गए हो, और जो आजू बाजू के स्टोनिश मैन थे जब वो उस प्लेस को विजिट किए, वहाँ के फ्लैश को टेस्ट किया तो उन्हें कंपैरेटिवली बहुत ही टेस्टी फ्लैश मिले, जिसकी वजह से वो टेस्ट कहीं ना कहीं उनकी जबान में था, पर उन्हें नॉलेज नहीं था कि फायर कैसे हुआ है। उन्हें बस ये था कि बिजली गिरी उससे फायर हुआ है। तो हो सकता है सेकेंड स्टोरी इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि हो सकता है ये स्टोनिश मैन कभी किसी नदी के किनारे या कहीं जहाँ फ्लिंट स्टोन बहुत ज्यादा होते हैं वहां इन्होंने एक स्टोन पे दूसरा स्टोन को स्ट्राइक किया होगा, जिसके वजह से चिंगारी निकली होगी। और जब ये चिंगारी निकली तब इन्होंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की होगी जब उन्होंने वो थंडर के थ्रू वो फायर को देखा होगा, और इस तरह फायर के यूसेज को धीरे धीरे इन्होंने अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से इनके खाने के तरीके भी बदलेंगे और इनके
फिजिकल चेंजेस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट धीरे धीरे अब आप देखेंगे आगे जाके एनवायरनमेंट में भी काफी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, एडाप्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे लैंड ब्रिजेस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ जो कॉमन टूल्स मिले हैं वो है बोन्स एंड स्पियर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि रॉबर्ट ब्रूश ये पहले थे जिन्होंने पैलोलिथिक स्टोन को डिस्कवर किया था इंडिया में इन 1863। सो लेट अस टॉक अबाउट लोअर पैलोलिथिक एज। आप टाइमलाइन देख सकते हो 5 लाख टू 50,000 बिफोर क्राइस्ट। सो इस टाइमलाइन की खास बात यह है कि ग्रेटर पार्ट अभी भी आइस एज ही था और ये फेमस था नियोधर्टल मैन के कंसेप्ट को लेकर। वैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नियोधर्टल मैन एंड मॉडर्न मैन, ठीक है। तो आपको अगर लोअर पैलोलिथिक एज का अर्लिएस्ट साइट देखना है तो वो है बोरी, अ प्लेस इन महाराष्ट्र। सो मैंने इधर अलग से और मेंशन कर दिया है साइट्स एंड स्टेट्स जहां हमें लोअर पैलोलिथिक एज के कुछ एविडेंस मिले हैं, लाइक बेलन वैली एमपी एंड यूपी, भीमबेटका एंड जोगदाहा एमपी, बगोर एंड बुद्ध पुष्कर राजस्थान, पाटने एंड नंदीपाए महाराष्ट्र, रेनिगुंता एंड कुर्नूल केव्स आंध्र प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, सोहन वैली वेस्ट पंजाब दैट इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। नेक्स्ट यहाँ के आप कॉमन टूल्स को भी देख सकते हो, वो थे हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स। सो लेट अस टॉक अबाउट मिडिल पैलोलिथिक एज। आप टाइमलाइन देख सकते हो 50,000 टू 40,000 बिफोर क्राइस्ट। तो इस एज की खास बात है नियोधर्टल मैन। सो साइट्स एंड स्टेट्स की अगर हम बात करें जहां हमें मिडिल पैलोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं वो है नेवासा महाराष्ट्र, भीमबेटका एंड नर्मदा वैली एमपी, बगोर करमाली डिडवाना राजस्थान, सिंहभूम झारखंड। और यहाँ के कॉमन टूल्स आप देख सकते हो फ्लेक्स एंड क्रूड पेबल इंडस्ट्री। नदी के किनारे होने के कारण इन्हें पेबल्स आसानी से मिल जाते थे। पेबल्स इज अ काइंड ऑफ स्टोन। और इधर आप इमेज में आप देख सकते हो मैंने एक डिफरेंस दे दिया है नियोधर्टल मैन एंड मॉडर्न ह्यूमन, तो इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस होते थे, यू कैन सी हियर इन द इमेज। सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अपर पैलोलिथिक एज। आप टाइमलाइन देख सकते हो 4,000 टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। तो इस एज की खास बात ये थी कि यहाँ आपको मॉडर्न मैन के अपीयरेंस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम होमो सैपियन कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट मैन, कि ये अपने ब्रेन को थोड़ा और ज्यादा यूज करेंगे और एनालाइज करेंगे चीजों को। और इसी एज को हम कहते हैं लास्ट फेज ऑफ आइस एज। और यहाँ कुछ हमें एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं गोट शीप कैटल के, स्पेशली दे वर एक्सप्लॉयटेड इन बेलन वैली जो आपको देखने को मिलेगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मैंने इधर कुछ साइट्स एंड स्टेट्स भी मेंशन कर दिया विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कुर्नूल केव आंध्र प्रदेश, बेलन वैली एमपी एंड यूपी, नेवासा महाराष्ट्र, साबरमती वैली गुजरात, शिंगरौली एमपी, खिचलर आंध्र प्रदेश, हुंगसी वैली कर्नाटका, अतिरम्पकम तमिलनाडु, पहलगम कश्मीर, हथनोरा नर्मदा वैली भीमबेटका एंड आदमगढ़ एमपी, कोटलेयर वैली तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ के कॉमन टूल्स आप देख सकते हैं बोरिंस, स्क्रैपर्स एंड फ्लिंट इंडस्ट्री। सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग अबाउट स्टोन टूल्स। आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक इमेज दे दिया है, अलग अलग जगह से हमें कुछ अलग टाइप्स के स्टोन्स मिले हैं, ठीक है। और ये सारे स्टोन्स के डिजाइन आप देख सकते हो अलग है जो उस टाइम के लोग हंटिंग के लिए या चॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते थे या कटिंग के लिए, एनीथिंग। सो लेट अस टॉक अबाउट मेसोलिथिक एज टाइमलाइन। इट इज बिटवीन 9,000 टू 4,000 बिफोर क्राइस्ट। सो इस एज की खास बात है कि यहाँ के लोग हंटर्स होते थे एंड हर्डर्स भी होते थे, ठीक है। और इसे कहते हैं ट्रांसिशनल फेज या लेट स्टोन एज। रीजन बहुत ही क्लियर है क्योंकि मेसोलिथिक एज का टाइमलाइन पैलोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में आता है,
इसलिए इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। और यहाँ जो स्टोन्स को यूज किया गया काफी स्मॉल होने के कारण इस एज को हम मैक्रोलिथ से भी कनेक्ट करते हैं। आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन भी इसी एज में देखने को मिलेगा। अ प्लेस आदमगढ़ इन एमपी एंड बगोर इन राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के भी एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे इसी एज में नियर गंगा प्लेन्स। फिर मैंने यहाँ साइट्स एंड स्टेट्स भी दे दिया है, लंगनाज गुजरात, तिलवारा बगोर राजस्थान, पाटने एंड हथकंबा महाराष्ट्र, डिमडिमा चौपनी मांडो उत्तर प्रदेश, पंचमारी भिम्बेटका आजमगढ़ एमपी, संगनकारू कर्नाटका, गौरीगुंदा आंध्र प्रदेश। एंड टूल्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है जो यहाँ कॉमनली हमें मिले हैं, वो है ब्लेड्स, डैगर्स, स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स एक्सेट्रा। एंड यू कैन सी द इमेज जो मैंने उस साइड में मेंशन कर दिया है कि उस टाइम के लोग कैसे स्मॉल स्टोन्स को यूज करते थे एंड लाइक डैगर्स, स्पीयर हेड्स एंड ब्लेड्स एक्सेट्रा। सो लेट अस टॉक अबाउट नियोलिथिक एज। आप टाइमलाइन देख सकते हो 4000 टू 1800 बिफोर क्राइस्ट। सो इस एज की खास बात यह है अभी तक जो स्टोनिज मेन थे वो थे फूड गैदरर। अब यहाँ आप देख सकते हो ये हो गए फूड प्रोड्यूसर, या इन्हें एग्रीकल्चर के नॉलेज हो गए हैं आप ये कह सकते हो। देखिए एग्रीकल्चर के भी नॉलेज इन्होंने नेचर से ही सीखा है, जर्मिनेशन प्रोसेस इन्होंने क्लोज ऑब्जर्व किया हमारे अर्थ को और वहां से इन्होंने जर्मिनेशन प्रोसेस को सीखा और इसलिए इनके ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट आपको रिवर बेड साइड देखने को मिलेंगे। सो इस एज को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं क्योंकि स्टोन के टूल्स भी काफी पॉलिश्ड इधर यूज किए गए हैं एंड फायर यूसेज लार्ज स्केल में होना शुरू हो गया है और यहाँ पॉटरी एंड मिल्स के भी एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी हियर यूज्ड ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स वर मैक्सिमम। सो मैंने कुछ नोट दिया है, वो नोट ध्यान से देखिएगा। महरगढ़ एक जगह है बालूचिस्तान इन पाकिस्तान, यहाँ आपको ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट देखने को मिल जाएंगे अराउंड 7000 BC। तो यहाँ आपको वीट कॉटन मड ब्रिक्स हाउसेस देखने को मिलेंगे। कश्मीर एकमात्र एक ऐसा साइट है जहां आपको देखने को मिलेगा माइक्रोलिथ्स बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है। चिरन ये प्लेस बिहार में आता है एंड कश्मीर ये एक ऐसे साइट भी है जहां आपको सबसे ज्यादा बोन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलेंगे। बुरजा होम ये प्लेस कश्मीर में आता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स, तो डॉग्स को उनके मास्टर के साथ दफन किया गया है। अलाहाबाद ये प्लेस आपको पता है यूपी, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं अराउंड 6 मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट। सो साइट्स एंड स्टेट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सो यू कैन सी बुरजा होम एंड गुफकार कश्मीर, मेहरगढ़ एंड किलीगुल मुहम्मद बालूचिस्तान, दाउजली हार्डिंग असम, चिरन एंड छेछार बिहार, तेकलाकोट संगनकल्लू नरसीपुर हेलोर, कुबगल कुडकल ब्रह्मगिरी कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा पिखलीहल उत्तनूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। तो ये साइट्स एंड स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स द कॉलम के लिए। अगर आप यूपीएससी मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं तो मैपिंग के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस साइट्स एंड स्टेट्स के थ्रू आते ही हैं। सो यहाँ मैंने कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मेंशन कर दिए हैं जो नियोलिथिक टाइमलाइन के थे, लाइक स्टोन म्यूलेट्स आप देख सकते हो, फ्लिंट नाइफ कैसे होते थे, इनफैक्ट यू कैन सी द हॉर्न एक्स एंड हैमर एवरीथिंग इट इज मेंशन हियर। तो आप फ्लिंट देख सकते हो कैसा है, इवन फ्लिंट स्टोन को हम आज भी यूज करते हैं हमारे लाइटर में। तो कहीं ना कहीं हम उस एज के बाहर तो है लेकिन कनेक्टेड भी है। सो लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेटिक एज टाइमलाइन। सो आप टाइमलाइन देख सकते हो इट इज बिटवीन 1800 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। और इस एज की खास बात यह है कि इस एज को कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पॉइंट टू बी नोटेड, ह्यूमन बींग जब फर्स्ट मेटल को ढूंढे थे वो था गोल्ड, लेकिन गोल्ड बहुत सॉफ्ट होने के कारण उन्होंने उसे ऑर्नामेंटेशन के लिए ही रख लिया एंड बाकी जब उन्होंने सेकेंड मेटल डिस्कवर किया था वो था कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इसलिए उन्होंने स्टोन को क्या करना शुरू कर दिया, थोड़ा रिप्लेस करना शुरू कर दिया और मैक्सिमम कॉपर एंड ब्रॉन्ज के एविडेंस मिले हैं। काफी इंप्लीमेंट्स इनके कॉपर एंड ब्रॉन्ज ने रिप्लेस कर दिए थे। सो इसलिए इस एज को कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है।
इस एज की खास बात है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन आपको वर्ल्ड में कई जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इंडिया में भी कई जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम ये जूम के बारे में बता देते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो जूम में क्या होता है कि जैसे कि प्लॉट ए है, तो प्लॉट ए में कल्टीवेशन करने की वजह से, लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से 3-4 साल बाद इसकी क्वालिटी थोड़े से डाउन होने लगते हैं। तो जो लास्ट हार्वेस्टिंग करने के बाद, जैसे राइस का फील्ड था, हार्वेस्टिंग कर दिया, उसके रेसिड्यूज को तो जला देते हैं ट्राइब्स और प्लॉट बी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो प्लॉट बी पे ऐसे 3-4 साल तक वो कल्टीवेट करेंगे, तब तक प्लॉट ए को क्या करेंगे, ऐसे खाली रखेंगे। तो उसमें जो एशेस है, जो रेसिड्यूज के जले हैं, वो फर्टिलिटी को फिर से रिटेन करेगा, और ऐसे करके ए से बी, बी से ए को स्विच करते रहेंगे। तो ऐसे कल्टीवेशन को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट साइट्स एंड स्टेट्स मैंने तो मेंशन कर दिया है, लाइक आहर एंड बानस राजस्थान, कयाथा मालवा एंड एरान एमपी, नेवासा दैमाबाद नयांग महाराष्ट्र। नेक्स्ट मैंने तो कुछ नोट दिया है और कुछ कल्चर्स मेंशन कर दिया, लाइक आहर, कयाथा, मालवा, सवलदा, प्रभास एंड रांगपुर। ये कल्चर कुछ भी नहीं है, पॉटरी है और ये प्लेसेस के नाम है। तो ये प्लेसेस में पॉटरी बहुत फेमस है, यूनिक है, इसलिए वो कल्चर दे दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आहर कल्चर में ब्लैक एंड रेड वेयर फेमस है, कयाथा में आप देख सकते हो रेड वेयर है, उसमें चॉकलेट्स के टाइप के थोड़ी डिजाइन है। मालवा कल्चर आप देख सकते हो रेड या ऑरेंज टाइप के पॉटरी है, फेमस है ज्योमेट्रिक डिजाइन। सवलदा कल्चर रेड वेयर था, तो प्रभास एंड रामपुर कल्चर भी क्या था, रेड वेयर, और समथिंग इट वॉज डिराइव फ्रॉम हरप्पन कल्चर। सो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया थोड़े से कॉपर इंप्लीमेंट्स जो कैल्कुलेटिक इस टाइमलाइन में यूज करते थे। आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज ने स्टोन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। वैसे इतने अच्छे दिखते नहीं है, लेकिन उस टाइमलाइन में ये बहुत बड़ा डिस्कवरी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।